बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं आलू गोश्त की रेसिपी। बहुत मज़े का सालन बनता है ये देसी टाइप तरीके से। ये मैंने प्याज थोड़ा सा पानी लगा के ना इसमें प्रेशर लगाऊंगी, क्योंकि ये होता है ना कि चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये प्याज इसी में मैश हो जाएंगे। प्याज़ों को अच्छी तरह ऐसे मैं बिल्कुल मैश कर लूँगी, इसको अच्छे से पानी को ड्राई करूँगी। ग्रेवी इसकी ना अच्छी बनती है, ये नहीं कि प्याज नज़र आए फिर वो अच्छी नहीं बनती, बिल्कुल प्याज मैश हो जाए ना तो इसमें टेस्ट और ग्रेवी और भी अच्छी बनती है। ऐसी मसाला मैं बिल्कुल रेडी कर लूँगी। देखो मेरा तकरीबन मसाला, ये प्याज ड्राई हो चुका है, पानी इसका ना ड्राई हो चुका है, इसमें मैं ऑयल डालती हूँ साथ ही। ये अभी मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी क्योंकि ऑयल मुझे कम लग रहा है। ये साथ ही मैंने ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें मैंने कटिंग करके रखी हुई थी, बल्कि इसको मैंने चॉप कर लिया, ठीक है, चॉप करके मैंने इसको भी साथ फ्राई करूँगी। एक कप मैंने दही डाल के, छोटे कप प्याली में दही डाल के रखी है, वो भी दही ऐड करती हूँ सारी, ये दही मैंने ऐड किया। आज मैंने टमाटर नहीं यूज़ किया, टमाटर की जगह दही ऐड की है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका, ठीक है। ये मैंने मसाले, नमक मिर्च, सूखा धनिया, अचार गोश्त और हल्दी, बस ये मैंने 5 मसाले इसमें ऐड किए हैं और इससे ज़्यादा कोई मसाला नहीं ऐड किया। इसको अच्छे से इसी तरह बनाई करती रहूँगी। तकरीबन मेरा मसाला काफ़ी हद तक रेडी है, चिकन मैंने साफ़ करके धो के रखा हुआ था, मैंने चिकन साथ डाल दिया। ऐसे इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी चिकन को ना अच्छे से, बिल्कुल काफ़ी इसकी हद तक बनाई हो चुकी है। इसमें आलू भी साथ डालती हूँ। मैंने थोड़े से बस 2 से आलू छोटे छोटे लिए थे, वो मैंने बारीक बारीक काट के रखे हुए हैं, ये मैंने ऐड किए हैं। आलू गोश्त अपना ही टेस्ट लेकर आता है, ये ज़रूरी नहीं कि आलू गोश्त कई लोग नहीं भी पसंद करते, पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे शौक से खाते हैं, हम भी खाते हैं। आलू गोश्त शोरबे वाला अपना ही इसका टेस्ट आता है, ठीक है ना। इसकी ऐसे बुनाई करूँगी साथ, काफ़ी हद तक इसकी बुनाई हो चुकी है, देखो ना काफ़ी नज़र आ रहा है, घी भी ऊपर आ चुका है, ऐसे घी निकल आया है मसाले से। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, वो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और कमेंट्स में बताएं मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्या लेकर आऊँ, ठीक है। ये मसाला काफ़ी बुनाई हो चुकी है, हद तक रेडी है। अब मैं पानी लगाती हूँ, इतना पानी लगाऊंगी जिसमें आलू गोश्त गल जाए और हल्का हल्का शोरबा रखना है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लगाना बस। बस ऐसे ही बंद किया मैंने, प्रेशर नहीं लगाना, ऐसे ऊपर से मैंने सिर्फ कवर किया था। ये काफ़ी हद तक सालन रेडी है। धनिया कटिंग करके रखा हुआ है, धनिया धो के वो मैं साथ डालती हूँ, थोड़ा सा मैंने अभी डाला, थोड़ा सा बाद में डालती हूँ, ठीक है। हल्की आंच पे इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए रखूँगी ताकि तरी ऊपर आ जाए, घी ऊपर आ जाए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है घी भी, ये जो धनिया रहता था ये भी ऐड करती हूँ साथ। लास्ट पे मैं सूखा धनिया भी डालूँगी साथ, इससे और भी खुशबू अच्छी आती है।
तो देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त रेडी है। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।